दर्शन बंधु नो द बार्ड टिप्स पर आपका स्वागत है। दर्शन बंधु मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, घंटी बजाइए ताकि नोटिफिकेशन आपका ऑटोमेटिकली आ सके। ठीक है, आप लोग जितना सब्सक्राइब कीजिएगा उतना हमको आनंद होता है और नया नया वीडियो ला सकूँ, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, यही आप लोगों से उम्मीद है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, जो बिगिनर्स है वो बार्ड कैसे पालेंगे, उसके लिए बेसिक कुछ टिप्स है, उसके लिए हम आज बताएंगे। ठीक है, देखिए आप अगर बार्ड पालना चाह रहे हैं तो आपके लिए कुछ टिप्स जानना ज़रूरी है बार्ड पालने से पहले, कि कैसे आप बार्ड्स को रखेंगे या क्या करेंगे उसके लिए, आज कौन सा बार्ड पालना चाहते हैं तो उसका केज का सेटअप कैसा चाहिए या उसका केज का साइज़ कितना चाहिए, ये सब बारे में आज हम बताएंगे। छोटा छोटा जो टिप्स है वो जो है वही हम आज बताएंगे। तो दर्शक बंधु ये देख रहे हैं, ये जो आज ये जो मेरा केज देख रहे हैं, मेरा केज, ये केज है, ये फ्रंट पोर्शन है 3 फीट। ठीक है, ये जो हाइट है आपको दिखा रहे हैं, ये जो हाइट लंबा जो है ये भी 3 फीट का है और जो इसका डेप्थ है ये लगभग 2 फुट है। ठीक है, तो इस ये जो मेरा केज है, ये केज में देख रहे हैं मैक्सिमम आप ये अगर बड़ा बर्ड पालने जाते हैं, जैसे कॉकटेल है, ठीक है, लाभ बर्ड है, तो और फिंच है, जावा है, तो और भी जो छोटा परिंदा है उसके लिए ये केज में आप कितना प्यार रख सकते हैं उसका बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, अगर बड़ा बर्ड है, जो मान लीजिए कि ये जैसे कॉकटेल है, ये बड़ा परिंदा है, ये अगर ये कॉकटेल पालना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 2 पेयर रख सकते हैं। अगर 1 पेयर रखेंगे तो सबसे बढ़िया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर 1 पेयर आप रखना चाह रहे हैं तो सबसे बढ़िया है, लेकिन 2 पेयर भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर बाद में आप ब्रीडिंग कराना चाहेंगे तो भी करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक तो हंडी लगा सकते हैं कॉर्नर में, यहाँ पर भी एक तो हंडी लगा सकते हैं कि मैक्सिमम 2 पेयर इसमें रख सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आप लाभ बर्ड पालना चाह रहे तो वो भी 2 पेयर रख सकते हैं, यानी 4 पीस रख सकते हैं। उसमें भी दो हंडी अगर बाद में आप लगाइएगा तब आप 2 पेयर रख सकते हैं, लेकिन फिंच रख रहे हैं, जवाहर रख रहे हैं तो तब क्या सकता है, या बंगाल फिंच या जेवरा फिंच या कुछ रख रहे हैं, या जवाहर रखने चाह रहे तो मैक्सिमम आप जवाहर रखिएगा तो 3 पेयर यानी 6 पीस इसमें रख सकते हैं आप। अगर बंगाल फिंच या जेवरा फिंच और भी फिंच कैटेगरी का जो है वो अगर पालना चाह रहे तो ये मैक्सिमम 4 पेयर रख सकते हैं यानी 8 पीस। ठीक है, ये जो 3 फीट है, ये 3 फीट दर्शक बंधु छोटा बार्ड के लिए काफ़ी है। और दर्शक बंधु आप ध्यान रखिएगा कि आप जब बार्ड खरीदने जा रहे हैं तब या ध्यान से रखिएगा कि आप जो प्यार लेके आए वो सही ढंग का प्यार है कि नहीं। आप लोग जब खरीदने जाएंगे, आप लोग कहीं से मार्केट से खरीदने जाएंगे या खरीदने जाएंगे तो आप लोगों को बुद्धू बना देता है वो, आसानी से बुद्धू बना देता है कि वो बोल देते हैं कि ये फीमेल है, ये फीमेल है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, आपको या तो दोनों ही फीमेल दे देगा या तो दोनों ही आपको मेल दे देगा, तो आपको ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा आपको अगर सही ढंग से नहीं पता चलेगा। मैं ये दूसरा वीडियो में अपडेट कर दूंगा कि कौन सा परिंदा कैसे देख मेल और फीमेल कैसे आइडेंटिफाई आप करेंगे, ये दूसरा मैं वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ऑटोमेटिक और नोटिफिक घंटी बजाइएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को नोटिफिकेशन जाता जाएगा। ठीक है, तो ये मेल फीमेल कैसे पता चलेगा वो मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगा। तो जब खरीदने जाएंगे आप जो एक्सपीरियंस लोग आदमी हैं उसको लेके जाइएगा ताकि वो आसानी से पहचान सके कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ठीक है, वो आसानी से देगा नहीं, कोई मार्केट में खरीदने जाएंगे वो कभी नहीं चाहेगा कि आपके पास प्यार हो या आप ब्रीडिंग करना चाहिए कर सकते हो, वो कभी कोई चाहेगा नहीं। तो इसीलिए क्या होता है वो लोग देता नहीं है सही ढंग से कि मेल फीमेल, या तो दोनों ही मेल दे देता है या तो दोनों ही फीमेल देता है, तो आपको पता नहीं चलता है आसानी से। तो आप ये क्या करेंगे, कोई एक्सपीरियंस बंदा को लेके जाइए जो आसानी से जान सके या पहचान सके। तो ये जब अगर आप बार्ड पालने के साथ साथ ही मटकी मत दो, यहाँ जो मटकी या नेस्ट बॉक्स जो है वो साथ साथ मत दो, उसको प्रॉपरली पेयरिंग होने दीजिए, उसके बाद आप मटकी या नेस्ट बॉक्स लगाइएगा। ठीक है,
यानी आप अगर मान लीजिए कि कॉकटेल पालना चाह रहे हैं, तो ये कॉकटेल पालने से आप जो लेके आइए और सोचेंगे मैं साथ साथ ब्रीडिंग करा दूंगा या कुछ मेरा अंडा निकल जाएगा बर्ड्स का, ऐसा नहीं होता है। इसको प्रॉपरली ये जो कॉकटेल है इसका प्रॉपरली ये एडल्ट होता है, लगभग जो मादी होता है वो 9 महीना 10 महीना से आपका एडल्ट होता है, और जो है मेल जो है वो लगभग 12 से 13 महीने में आपका लगभग एडल्ट होता है। तो साथ साथ आप सोचिएगा कि मैं रख के बाट को रख दूंगा और साथ साथ मैं अंडा का उम्मीद करूंगा, ऐसा मत कीजिएगा। कम से कम उसको प्यार बनने दीजिए, 6 से 8 महीना रखिए, उसके बाद आप प्यारिंग के आप ब्रीडिंग के लिए सोचिए, तब नेस्ट बॉक्स लगाइएगा या हाँ तो हंडी लगाइएगा, या तो इसका पहले मत लगाइएगा, ठीक है। ऐसे हाँ, जो बजीस है वो बजीस को आप 2-3 महीना बाँध सकते हैं, उसके लिए आप उसको पेयरिंग करके फिर अंडा देने के लिए आप 2-3 महीने बाद हंडी या नेस्ट बॉक्स ला सकते हैं, या फिंच बोलिए, जावास बोलिए, ये सब है, क्योंकि आप ये बड़ा परिंदा होता है इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। और आप लव बर्ड भी अगर पालने चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम बोल रहे हैं, उसके बारे में भी आप 2-3 मतलब कम से कम 5 महीना 4 महीना 5 महीना दीजिए, उसके बाद आप नेस्ट का हंडी लगाइए, ठीक है। तभी उसको आपको पता चल, तभी आपका ब्रीडिंग करने का उसका है। और दूसरी बात है सीजन, आप ज़्यादा गर्मी में सब परिंदा देखिए, कुछ कुछ परिंदा होता है ब्रीडिंग समर में बहुत अच्छा करता है, कुछ कुछ परिंदा करता है वो विंटर में ज़्यादा अच्छा करता है। तो एक बार अगर आपका कॉकटेल या लाभबर्ड ब्रीडिंग करना चालू कर देगा तो साल भर में देता ही रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आप ये हमेशा ये मत सोचिएगा कि मैं लाते हूँ मेरा अंडा देने के लिए मैं सोच लूँगा, ऐसा मत। उसको प्रॉपरली हेल्दी फूड दीजिएगा, सॉफ्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, उसके बाद आप ड्राई फूड भी दे सकते हैं, खास करके आपका जो सनसीट है वो भी दे सकते हैं। ये सब मैं जो मेरा जो बाकी जो वीडियो है वो आप वॉच करेंगे तो सब चीज़ मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये देने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा केज में क्या होता है। अगर छोटा परिंदा मान लीजिए आप एक प्यार रख सकते हैं लाभ बर्ड के लिए एक प्यार, तो आप इतना बड़ा केज भी दे सकते हैं या तो 2 फुट बाई 2 फुट वो भी दे सकते हैं, या तो इसमें अगर मान लीजिए कि मैं 2 प्यार रख रहा हूँ, ये 3 फीट बाई 3 फीट या 2 फीट अंदर डेप्थ जो है वो 2 फीट है, तो ऐसा करके आपको सोचना चाहिए कि मैं पहले डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा बाड़ में पालना चाहता हूँ, उसके बाद अगर आप केज खरीदिएगा, जितना आप बड़ा परिंदा को आप जितना उड़ने दीजिएगा बढ़िया ढंग से उतना ही बेहतर है। तो ये जो है बेसिक कुछ टिप्स हैं, ठीक है। तो ये याद करके जाइएगा जब बर्ड का ख़रीदने का टाइम में कैसे आप बर्ड खरीदेंगे। देखिए मेरे पास पहले 5 पीस कॉकटेल था, इसमें तो मैंने 1 पेयर अपना दोस्त को बेच दिया है, ठीक है। तो ऐसे आपको पता चलना चाहिए कि मेल फीमेल सही ढंग से होता है, तभी वो आपको आप खरीदने जाइएगा, या तो नहीं तो आपको वो बुद्धू बना देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ नॉलेज में रख के, और हमेशा याद रखिएगा आप जब कहाँ केज जब जहाँ पर सेटिंग करने जाइएगा तो हमेशा रहिए याद रखिएगा ये जो केज जो है ये केज जो है इसको हवा आना चाहिए। ये तो ये नहीं कि आप कहीं पे रख दिया हवा नहीं आ रहा है, बंद घर में हो रहा है, ये हवा इस तरफ से आना चाहिए, कोई दो एक तरफ से हवा आना चाहिए, एक तरफ से हवा निकलना है। ये देखिए हवा निकलने का पूरा जगह है। और आजकल जो कल्चर है तो मैक्सिमम तो ये आदमी फ्लैट में ज़्यादातर रहते हैं, तो इसके बारे में आप या तो बैल्कोनी में रखना पड़ता है या तो डाइनिंग स्पेस में रखना पड़ता है। तो हमेशा याद रखिएगा जहाँ पर भी केज सेटअप कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉपरली हवा आना चाहिए और हवा निकलना भी चाहिए। और दूसरी बात है जहाँ पर सेटअप कर कीजिएगा वहाँ थोड़ा सन रे जो है वो आ सके, नहीं तो क्या होता है सन रेज का कमी की वजह से क्या होता है वो बाट का जो है वो जो फेदर होता है वो झड़ने लगता है, ठीक है। तो ये बाट का फेदर जो है वो झड़ने लगता है, तब आपका बाट का दिक्कत हो सकता है, उसके लिए विटामिन डी अगर कमी रहेगा तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेसिक कुछ टिप्स है जो है वो आप देखिएगा जो जब केज आप सेटअप कर रहे हैं वहाँ पर आप देखिएगा याद रखिएगा। और जो केज जो जहाँ पर सेटअप करें वो ऐसा जगह रखिएगा कि वो थोड़ा सुनसान जगह हो, यानी कि हर टाइम ये नॉइज़ हो रहा है ऐसा मत जगह मत, क्योंकि बर्ड हर टाइम चाहता है
कि उसको थोड़ा शांति से रहने का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी रख दो और हर टाइम नॉइज़ होता रहेगा, ऐसा नहीं होता। और रात को उसको स्पेस दीजिएगा, नहीं तो क्या होता है, आप कभी ब्रीडिंग करने जाइएगा तो उसको प्राइवेसी नहीं देंगे तो ब्रीडिंग नहीं करेगा आसानी से। तो ये बेसिक कुछ टिप्स है जो मैं बता रहा हूँ, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि ये मैं अपना बार्ड को सुविधा दे सकूँ, ठीक है। अगर दर्शक बंधु मेरा चैनल वीडियो आपका अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अगर नहीं भी लगा तो डिसलाइक कीजिए। दर्शक बंधु अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और दर्शक बंधु आप लोगों से उम्मीद है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना आप सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ही हमको अच्छा लगता है और उतना ही मैं नया नया टॉपिक लेके आ सकूँ, ताकि आपका लिए या आप लोगों के लिए और भी नया नया जानकारी हो कि बाट पालने में आसानी हो, यही आप लोगों से उम्मीद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक बंधु लाइक कीजिएगा, धन्यवाद।